आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था और इट वाज योर सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट? किसी को आप टिप देना चाहते हो कि सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कैसे करना है? We have Shaurya with us. She's going to be the ninth doctor in her family. So Shaurya, कैसे ये ड्रीम सारे इतने सारे डॉक्टर्स फैमिली में और अब आप भी डॉक्टर बनने वाले हो, डिड यू प्लान इट और वॉज इट योर ड्रीम और हाउ एग्जैक्टली इट इज़? वेल, मेरे कजिन्स तो हैं ही डॉक्टर्स, तो लाइक भैया भी कजिन्स, तो उनकी सिस्टर भी कजिन्स, तो लाइक फिर वो बचपन से थोड़ी सी मोटिवेशन टाइप हो गई कि यार डॉक्टर ही बनना है. और किस फील्ड में जाना चाहते हो? मैम मे बी कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजी और लाइक साइकेट्री और साइकेट्रिस्ट. कैसा जर्नी रहा आपका न्यू लाइट का शौर्य? मैम इट वॉज वेरी अमेजिंग. लाइक द न्यू लाइट टेस्ट सीरीज हेल्प मी सो मच. लाइक मेरे स्कोर्स यूजुअली पहले 550 या 560 रहते थे, बट लाइक रेगुलर टेस्ट के साथ मेरे स्कोर्स 600 के ऊपर जाने लगे. एंड इस साल फिर रेगुलर टेस्ट देने की वजह से मेरे स्कोर फाइनली 630, 640, 650. और अभी आपका क्या स्कोर आया है? 678. क्या एम कर रहे हो अभी, किस कॉलेज में? मैम मे बी दिल्ली कॉलेज इफ आई गेट वन, अदरवाइज यूपी कॉलेज. एनी स्पेसिफिकेशंस, यूपी में कहाँ जाना चाहते हो? मैम वेल वैसे मेरे पास तो डीयू कोटा है, लाइक मैंने 11 12th करी है दिल्ली से. ओके, सो आई प्रोबेबली गेट द दिल्ली कॉलेज. बाकी दिल्ली पहले गए हो आप? हाँ. You've been to Delhi. You like Delhi? Yeah. Okay. So if I talk about your journey with New Light, what you feel ki aapka first attempt tha or it was your second attempt or third attempt? It was my second drop. Like second drop. So aapne kya sikha ki first or second mein aapne kya changes kare? Aur first strategy, second strategy mein kya changes the? Jiski wajah se aapko laga ki ab mujhe, like now I'm very confident that I'll be able to crack the exam. Mom, the first thing is like, pehli baat to NCERT se stuck raho. Sirf NCERT padho. And then secondly, please minimize your silly mistakes. Like isko to bahut dhyan dena hai kyunki खुद से गलती नहीं करनी. आपको जितना आता है उतना तो करो ही करो, अपने से कोई गलती मत करो. लाइक अवॉइड दैट. एंड वंस यू लाइक लर्न कि आप कैसे सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर लोगे, तो आपके स्कोर अच्छे खासे बूस्ट होंगे. लाइक यू विल गेट. किसी को आप टिप देना चाहते हो कि सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कैसे करना है, तो क्या टिप देना चाहोगे? मैम लाइक हम लोग को तो एसपी सर ने कहा था कि तुम लोग क्वेश्चन को अंडरलाइन करके पढ़ो. So like that. Read between words. Haan. That's very important. Read between and lines. Underline the, like underline or encircle the words which are very important. Like incorrect or not correct. So usually हम इसमें काफ़ी गलती करते हैं. तो like ये सब और options और हर एक options पढ़ो. Because mostly क्या करते हैं कि पहले option पर हम लोग answer रख देते हैं, हम लोग को लगता है कि यार वही answer होगा. But then फिर आप जब options पढ़ते हैं फिर आपको clear होता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. एंड रियल टाइम में वो जो 3 आवर्स की गेम है, जो 3 आवर्स का वो टाइम है, उसमें आप क्या टिप देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रेगुलर टेस्ट में बहुत अच्छा करते हैं, बट फाइनल एग्जाम में कहीं ना कहीं स्ट्रेस प्रेशर, एंग्जाइटी, फैमिली प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, स्पेशली जिनका 1-2 अटेम्प्ट हो चुका होता है तो वो प्रेशर बहुत होता है. यस मैम. उसको आपको कैसे लगता है आपने हैंडल किया अपने टाइम पे? मैम आई के सबसे पहले तो आप अपने इतने मॉक्स दे दो कि आपका डर ही चला जाए. सो दैट मीन्स री अटेम्प्ट्स एंड री गिविंग ऑफ फ्रीक्वेंट टेस्ट. मतलब एवरी डे आई थिंक 2 से 5 यही रख लो. एवरी डे 365 days ये करो. मतलब यू कैन लाइक वीक में एटलीस्ट 3 टेस्ट तो देने ही देने हैं. एंड यू हैव टू एनालाइज इट कि यार मैंने यहाँ क्यों करा, लाइक ये गलती हुई तो क्यों. और फिर अपनी मिस्टेक्स की लिस्ट बना लो. हाँ. वो अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि ये मेरी मिस्टेक्स हैं, ये मिस्टेक्स दोबारा नहीं होनी चाहिए. और अपना सिलेबस नहीं करना, और अपना सिलेबस भी थोड़ा सा वो करके रखो, कम करके रखो. ये नहीं कि यहाँ भी नोट्स बना रखे हैं और यहाँ हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं. नहीं, थोड़े से एनसीईआरटी में कंसाइज करके रखो कि यार एनसीईआरटी तो मेन है ही अपनी बुक. हाँ. और उसी में आप नोट्स रखो, तो आप उसी में थोड़े से नोट्स लगा दो यार, क्यों एक्स्ट्रा चीज बनानी है. लाइक लगा दो एंड ट्राई टू मेक इट इन अ कंपोजिट फॉर्मेट. ज़्यादा एक्सटेंडेड फॉर्मेट में मत रखो. हाँ, क्योंकि जब फाइनल एग्जाम के टाइम पे आखिरी मंथ में आते आते आप इतना स्ट्रेस हो जाते हैं कि आपको सब कुछ रिवाइज करना है एंड देन ये सब कर पाना इट्स वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि फिर लगता है कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है. एट द बैक ऑफ द माइंड आपको यही लगता है कि वो भी पढ़ना है, वो भी बाकी है. सो लाइक ये हो जाता है, पढ़ते पढ़ते भी दिमाग में रहता है कि अरे अभी अभी तो इतनी बुक्स बाकी हैं, अभी ये रजिस्टर भी बाकी है, अभी ये भी नोटबुक बाकी है.
तो वो अवॉइड करना है लास्ट मिनट। एक अपनी कंसाइज बुक्स पढ़ा, एक अपनी एक बुक रखो, ऐसे एनसीईआरटी तो है ही बट लाइक ऐसे फिजिक्स के केस में आप जिससे भी पढ़ रहे हो एक वो रखो और बस, और अपने नोट्स रखो फिजिक्स के केस में, केम के केस में, बट बायोलॉजी तो फिर एनसीईआरटी है, वो एनसीईआरटी है। और बाकी एटलीस्ट जो फॉर्मूलाज है उनकी कॉपी बना लो, बिकॉज स्पेशली इन फिजिक्स केमिस्ट्री यू नीड दोज फॉर्मूला स्ट्रक्चर्स। थैंक यू सो मच शौर्या, इट वॉज रियली अ प्लेजर मीटिंग यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।